जहां पर अर्जेंसी नहीं वहां पर सडनली सेल्स नहीं। एवरीवन, सौरभ शर्मा दिस साइड, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपने बहुत सारा मुझे कमेंट किया कि सर हमें इस पर वीडियो बनाओ कि हाउ टू क्रिएट बेस्ट अर्जेंसी। सो इस पर वीडियो आ चुकी है, 8 पॉइंट्स में ऐसे आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो भी नेक्स्ट लेवल पर। आपको इस वीडियो के बाद और कोई अर्जेंसी के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। क्या आप जानना चाहते हो क्या है? तो फिर लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी अर्जेंसी डालता हूँ, मैं कौन सी टेक्निक यूज करता हूँ जो भी आप कर सकते हो, आप अपनी सेल को उसी वक्त क्लोज कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है जो कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बी जेन्युइन नॉट बी फेक। जब भी आप सेल्स को इंस्टेंट क्लोज करने वाले हो तो जेन्युइन रहो, अपने बारे में बड़ा झगड़ा कर मत करो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट करा है, मेरे साथ इतने लोग वर्क कर रहे होते हैं, कर नहीं रहे होते हैं, फिर भी बताते हैं इतने लोग कर रहे हैं वर्क मेरे साथ। वो एक तरीके से झूठ है और वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल से पता लग जाता है सामने वाले को। तो अपने आप को जेन्युइन दिखाओ और फेक बिल्कुल मत दिखाओ, इस चीज को हमेशा याद रखो। जब सेकंड पॉइंट निकल के आता है, टैप ऑन हिज व्हाई। जब भी आप सामने वाले से बात करते हो ना तो उसका वाई, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, इनविटेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि उसको वाई कैसे उसका पहचानना होता है, उसकी नीड क्या हो कैसे पहचाननी होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो बटन पे जाओ और उस वीडियो को वॉचआउट करना, फिर इस वीडियो को वॉचआउट करना, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको उसका वाई पता रहना चाहिए कि वो क्यों करना चाहता है स्टार्ट। आपको वाई पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। जब भी आप सामने वाले से बात करते हो ना क्लोजिंग के टाइम पे, तो उसे ये मत दिखाओ कि आपको ये करना है, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस स्टार्ट करो, ऐसे नहीं। आपको ना उसे प्रोसेस बताना है कि उसको वर्क क्या करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत से लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर मेरा वर्क क्या रहेगा, मैं अब मुझे ये बताओ। तो वहीं पे आपको वो अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तब भी आप उसे बताओ कि तुम्हारा प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या रहेगा, तुम्हें कैसे वर्क करना है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, तुम्हें कहाँ स्टेटस डालना है, कितने लोग तुमसे पूछेंगे, कौन सी तुम्हें लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों से बात करनी है, कौन सी वीडियो देखना है, कौन सा कोर्स सीखना है, सब कुछ उन्हें प्रोसेस ऑफ वर्किंग पूरा बताओ। ये अगर आप प्रोसेस ऑफ वर्किंग उन्हें बता दें तो आप सेल्स क्लोज इंस्टेंट कर सकते हो, बिकॉज सामने वाले को समझ आ जाता है कि मेरा वर्क रहने के वाला है। तो इस चीज को नोट करो और इस चीज को सही करो, और इस चीज को अगर मिस्टेक करते हो तो इस चीज को मिस्टेक मत करो, इस चीज को समझाओ सामने वाले को कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग रहने के वाले, आप वर्क करोगे कैसे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट निकल के आता है जो कि मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते ही हैं इस बात में, बट इसको जानने के बाद आप मिस्टेक मत करना, आप तो मत ही करना बिकॉज आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो फोर्थ पॉइंट कहता है जब हम सामने वाले को सारी चीजें बता देते हैं, प्रोसेस ऑफ वर्किंग ये होता है, ये हमारे प्रोडक्ट है, उसका बेनिफिट है, तब हमें ये नहीं समझ आता कि सामने वाले को समझ आया कि नहीं आया। या फिर बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जो हम याद करते हैं और हमें वही बोलना होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि स्क्रिप्ट के बेस पे कभी भी क्लोजिंग मत करवाना, आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। आपको प्रॉपरली उस सामने वाले बंदे को ये समझना है कि वो तुम्हारी बात को समझ गया या नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो आप उससे दोबारा पूछो, जो आपने समझाया आप उससे पूछो, मैंने जो यहाँ तक भी तुम्हें बताया क्या तुम समझ गए हो, और फिर वो कहता है मैं समझ गया, तो आप उससे पूछो कि उससे क्वेश्चन पूछो, तो आपने उसे समझाया उससे बीच में से क्वेश्चन पूछो, वो अगर क्वेश्चन का जवाब दे देता है तो सामने वाला समझ गया, देन आप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। सो इस फोर्थ पॉइंट को याद रखना। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट कहता है डोंट बी चीपी। आप ना चिपको मत सामने वाले से, अपनी वैल्यू मत डाउन करो, उसे कंसल्ट करो, रिकमेंड करो। बहुत से लोग ना क्लोज करते वक्त सामने वाले से चिपक जाते हैं कि आज तो मैं इसका ज्वाइन करवा के रहूंगा, चिपक जाते हैं कि सर क्या कर क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, आपका क्या रीजन है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब सब लोग कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे आप चिपक रहे हो सामने वाले से। आप कंसल्ट करो, रिकमेंड करो उसे, उसे बताओ इस चीज की वैल्यू क्या है, और वो अगर ज्वाइन करता है फिर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसे प्रॉपरली बताओ, चिपको मत। तो सिक्स पॉइंट कहता है, अब ये सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सिक्स पॉइंट कहता है, शो हिज बेनिफिट व्हाई दे जॉइन विद यू ओनली। अगर वो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो उसका क्या क्या बेनिफिट उसे मिलने वाला है, ये उसे शो करो पहले ही। अर्जेंसी डालते वक्त या आपको पहले उसे शो करना है कि अगर वो आपके साथ ज्वाइन करता है उसे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आपके ऊपर, बट आपको ये अपने साइड से सोचना है कि आप उसे क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो, और उसे डिटेल में बताओ कि आप उसे क्या बेनिफिट दोगे, ठीक है।
दो, ये आपको जरूर बताना है कि वो आपके साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो उसे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अब चलते अपने 7th पॉइंट की तरफ। कहता है कनेक्ट हिज इमोशंस नॉट द प्रोडक्ट फीचर्स। आपको ना सामने वाले इमोशंस को टैप करना है, ना कि अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को से बताना है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले के इमोशन से कनेक्ट खुद को नहीं करोगे और जो आप वैल्यू से देने वाले हो, जो आप प्रोडक्ट से पिच करने वाले हो, उससे कनेक्ट नहीं करोगे तो सेल्स कभी भी क्लोज नहीं होगी। क्योंकि हमें पता है कि जो हम इंसान है वो इमोशन से, भावनाओं से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे आपको उसे टैप करना है, और वो आप तभी टैप कर पाओगे जब सामने वाले का आपको वाय पता होगा। तो ये 7 पॉइंट बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, आई नो बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो में, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि कौन सी मिस्टेक आप दोहरा रहे थे। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट कहता है ये, सेलेक्ट राइट टाइम टू क्रिएट अर्जेंसी। अगर आपको अर्जेंसी डालनी है तो आपको राइट टाइम चूज करना पड़ेगा कि किस टाइम मैं इसे बोलूं और ये मेरे साथ स्टार्ट कर जाए। वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, वो जब आप ढूंढोगे, जब आपने मैक्सिमम लोगों से बात करी होगी तभी आप उसे फाइंड आउट कर दो। तो अब आती है बारी कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अर्जेंसी कैसे क्रिएट करता हूँ, क्या क्यों फटाफट मेरे साथ ज्वाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी अगर प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ दो ही सिचुएशन में ज्वाइन कर सकता है। तो सबसे पहले वो आपको पहले से जानता हूँ तो उसके मैक्सिमम चांस रहता है ज्वाइन करने के, या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू सामने वाले को दिखा दी बहुत ज़्यादा और सामने वाले को नीड है सबसे ज़्यादा, तभी वो इंस्टेंट ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये दो केस अगर आपके साथ बनते हैं तो जो मैं पिच आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली और मेरी सेल्स क्लोज होती है इंस्टेंटली, उसे आप भी यूज़ कर सकते हो। सो पिच ये है, लेट सपोज मेरी साहिल से बात हो रही है, तो मैंने साहिल को सब कुछ बता दिया है, तो मैं साहिल से ये कहूँगा, तो अभी ना मेरा 12 लोगों का टोटली बैच बनने वाला है, मैं उन्हें प्रॉपरली सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप जीरो से, कि कैसे वो इस महीने फरवरी में कैसे वो लगभग महीने का 15,000 से 20,000 जनरेट कर सकते हैं घर बैठकर। मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप उनका वेबिनार लेने वाला हूँ, प्रॉपरली उन्हें गाइडेंस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये बैच ना बहुत स्पेशल बैच बनने वाला है, बिकॉज ये बैच में मेरी पर्सनल मीटिंग्स, पर्सनल कॉल रिकॉर्डिंग्स सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। और अगर ये बैच का चांस तुमने मिस कर दिया तो फिर तुम्हें शायद ही कोई बैच मिलेगा जिसमें तुम्हें मेरे साथ पर्सनली वर्क करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे ना टोटल अभी 9 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अभी 3 लोगों की सीट बची है, और अगर 3 लोग भर गए, जो कि मुझे लगता है कि आज के 12 बजे तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें चांस नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ तुम्हें ये बेनिफिट मेरी साइड से ये भी मिलेगा कि शुरू के 2 लोगों की ज्वाइनिंग मेरी साइड से तुम्हारी निकलेगी। तो अब ये ध्यान से सुनना, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ये जो आप बातें बोल रहे हो ना, इसको पूरा जरूर करना। ये अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बोल रहे हो कि आप उसकी शुरू की 2 ज्वाइनिंग निकलवाओगे, तो उसकी निकलवाना, उसे सपोर्ट करना, उसके लोगों से बात करना, ये बहुत ज़रूरी है, जेन्युइन रखना। तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि क्या तुम सीरियस हो मेरे बैच का पार्ट बनने के लिए, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम को सच में सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ उसका आप वाई डालना। तो फिर यहाँ पे जो साहिल है वो कहेगा कि यस मेरे को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हो। कोई वीडियो सबसे ज़्यादा मस्त लगी होगी आई नो की, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैंने बताया जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ और कैसे मैं पिच करता हूँ सामने वाले को। और कभी भी ना एक बात मैं बता दूँ कि चेंज के डालते वक्त ना ये मैं सोचा करूँ कि यार मुझे आज ही इसे ज्वाइन करा है, ये कभी मैं डाला करूँ। ये क्यों डाली जाती है मैं आपको बताता हूँ, ताकि सामने वाले की अगर चॉइस है, उसे अगर ज्वाइन लेना है तो ज्वाइन कर लेगा उसी वक्त करेगा। क्योंकि ये अगर आप पिच नहीं करोगे तो क्या पता वो उसी वक्त ज्वाइन करना चाह रहा हो और ज्वाइन नहीं कर पाया हो। ठीक है, तो ये इसलिए बोला जाता है। और मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर जितनी भी ज्वाइनिंग्स होती हैं वो फॉलोअप से निकलती हैं, और फॉलोअप लेते कैसे हैं, फॉलोअप का प्रोसेस क्या रहता है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना अगर आपको फॉलोअप के ऊपर भी वीडियो चाहिए। तो वीडियो बढ़िया लगी होगी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो प्यारा सा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।